ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। हिलो, क्योंकि तूफान सलाखों की कैद से आजाद हो गया है। कौन बोल रहा? अपने बाप का नाम भी भूल गया। कौन? विजय? हाँ, विजय सक्सेना। अपने बीवी बच्चों को जी भर कर प्यार कर ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरी बीवी बेवा और तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मेरी फिक्र छोड़ और अपनी सोच, मेरे आदमी तुझे चींटी की तरह मसल देंगे। तुम्हारी चींटियां हाथी के पांव के नीचे आ गई हैं। अब तू उनकी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा, समझा? सदानंद, तुम लोगों ने मेरी बहन को ऐसी मौत मारा है कि उसे कफन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं कफन दूंगा। आज ही कफन खरीद ले, क्योंकि कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा। हमको कमीशन खिलाता है? हमको? ए, हम इसकी तरह कमीशन खिलाए के कमिश्नर नहीं बनाऊं। हमारा नाम है धनिकलाल धुरंधर। उठाओ अपनी अम्मा की दुकान, नहीं तो क्या कहते हैं, एरोप्लेन। हाँ, लटका के हवाई जहाज बनाए दूंगा, समझ गया का? समझ गया। चलो अभी जाओ यहाँ से, उठो। नटवर लाल जी पधार रहे हैं। तू कौन है बे? नटवर या उका लाल? सरकार, मैं तो उनके जूतों की खाल हूँ। तो फिर कान खोल कर सुन ले, ई ऑफिस में कुत्ते दल्ले और चमचों खाना मना है, समझा के नहीं? समझ गया सर, समझ। मैं तो कहता हूँ वापस चलिए, ये तो कोई पागल लगता है। अरे, नटवरला नाम है मेरा। तो क्या करूं, हम अपना नाम बदल लूं? नाम नहीं, अपने काम करने का ढंग बदल गया। ढंग नहीं, हम तो लोगों का रंग बदलता हूँ। बोलो किसका रंग बदलना है? विजय सक्सेना का। तुम में से कौन है? हम लोगों में से कोई नहीं है, हम लोग तो शरीफ आदमी हैं। तुम लोग क्या सराफत का सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमते हो? हैं? मैं बताता हूँ, विजय सक्सेना एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो 7 साल की कैद काटने के बाद काली जेल से चला। अरे तो हम अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की कमिश्नर। हाँ तो बोलो। और यहाँ होते ही उसने हमारे इस आदमी को जान से मार डालने की धमकी दी है। ये तुम्हारा आदमी है? तो तुम का इसकी औरत हो? मिस्टर कमिश्नर, ए चिल्ला मत, हम कोई कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूं। विशाल। यस सर। इनका रिपोर्ट लिखो और विजय सक्सेना को फौरन गिरफ्तार करो। सर, मैंने आज सुबह ही मिस्टर विजय सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? देखा हमारा डिपार्टमेंट का कमाल, हम कोई कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूं। तुम्ही ने मुझे गिरफ्तार किया,
अब तुम ही रिहा कर रहे हो। 7 साल से जिस आग में आप जल रहे हैं उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। स्वीटी आपकी बहन थी और मेरी जिंदगी। मैं पुलिस ऑफिसर इसलिए बना कि जिन दरिंदों ने मुझसे मेरी स्वीटी छीनी उनको मैं मिटा सकूं। नहीं, वो मेरे शिकार हैं और किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। सर, स्वीटी की मौत के बाद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था, फिर भी मौत जैसी जिंदगी जीता रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उन्हें खेल खत्म कर सकूं। तो फिर आज और अभी वही खेल शुरू कीजिए सर, जो 7 साल पहले एसीपी फड़के ने कानून का सहारा लेकर आपके साथ खेला था। आज कानून आपके साथ है सर, जाइए और इंसाफ के माथे पर लगे इस दाग को मिटा दीजिए। सदानंद, तुम्हारा घर आ गया है? नहीं सर, आज मैं आप ही के साथ रहूंगा। क्यों, आज मेरी बारात जाने वाली है क्या? नहीं सर, बारात तो मेरी निकलेगी, विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हवालदार छोड़ देता हूँ। हवालदार जी साहब, तुम आज की रात सदानंद के घर के बाहर पहरा देना। अच्छा, ना ही किसी को अंदर आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना, समझे? ठीक है सर। ठीक है साहब, आओ हवालदार। ओके चलो ड्राइवर। आओ हवालदार, आओ आओ, यहां से जाना नहीं हवालदार। हाँ ठीक है ठीक। तो तुम यहां कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हवलदार! ये क्या कर रहे हो? चुप, चल अंदर चल। लेकिन एसीपी साहब ने कहा था कि ना कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा, मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। सर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हूँ, शिवाजी गायकवाड़। सर इस कुत्ते की औलाद को जैसा चाहिए वैसा हलाल कीजिए, मेरे होते हुए यहां आपको ही नहीं आएगा। वही जो 7 साल पहले मुझे करना चाहिए था, मेरी बहन को मारने के बाद चलाया गया था, आज मैं तुझे जीते जी चलाऊंगा।
ये अंगार बन गया, फूल ये अंगार बन गया, फूल ये अंगार बन गया, फूल ये अंगार बन गया। ये हालात से एक शबनम का खतरा, ये हालात से एक शबनम का खतरा, आग की बौछार बन गया, फूल ये अंगार 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 बन गया। क्या? हाँ साहब, सदानंद के घर में आग लग गई और घर के साथ साथ सदानंद भी जल के राख हो गया साहब। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये आग किसने लगाई है। सर, विजय सक्सेना कहाँ है? सर, वहां लॉकअप में। दरवाजा खोलो। बात क्या है सर? विजय सक्सेना लॉकअप में नहीं है। क्या? जी हाँ, उसने कैंटीन ओनर सदानंद का खून कर दिया है। सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूं, पहले तुम दरवाजा खोलो। चाबी दो। देखा, अब बताइए इंस्पेक्टर विशाल, कहाँ है आपके मिस्टर विजय सक्सेना? मैं यहाँ हूँ। हाँ? तुम लॉकअप से बाहर क्यों हो? क्या पुलिस स्टेशन में मुतना भी मना है? ये सब एक नाटक है, नाटक टकोसला है, एक चाल है विजय सक्सेना। तुम्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया है ताकि तुम कत्ल करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कालीचरण को छोड़ा था। What do you mean? मिस्टर फड़के, मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत कर आया हूं, और तुम गुनेगार होकर भी सजा नहीं भुगतना चाहते हो। कानून भले ही तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तू यहां से जिंदा वापस जाएगा तब ना। मिस्टर एसीबी फड़के, आप अपनी बंदूक अपने खोके में वापस रख दीजिए, क्योंकि ये बेल ऑर्डर जिंदा आदमी की है, मुर्दे की नहीं। आप? यस सर, एडवोकेट रामलखन तिवारी, BA LLB, आपका पुराना चेला, आप खाता हूँ केला, आप खाएंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं केला खाऊंगा। सुधा, तुम? यस सर, इन्होंने आपकी जमानत दी थी। चलिए सर। थैंक यू विशाल। सर अभी बहुत काम करने, आप बार बार थैंक यू बोलेंगे तो थक जाओगे, एक ही बार थैंक यू बोलना, क्यों विशाल? ठीक का। विजय, बस यही है तुम्हारे बगैर जिए हुए जिंदगी की दास्तान। तुम फिक्र मत करो सुधा, जिन लोगों ने हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुभो चुभो कर जहर भरा है, वही जहर वापस उन लोगों पर उगलना है।